जय हिंद साथियों, आपका लवली जी की ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, आज अपने बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण को लेकर। देखिए कितने आसान तरीके से मैं आपको याद करवाता हूं। राजस्थान का एकीकरण कौन सा टॉपिक है? राजस्थान का एकीकरण बहुत ही ओख है याद नहीं होता, बहुत ही ओख है याद नहीं होता, लेकिन आप देखो क्या ट्रिक में याद करूंगा। बस मने रहे आप वीडियो के अंदर, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा कैसे आपको याद करवाता हूं मैं, ठीक है। एकीकरण मतलब एक, राजस्थान कब एक हुआ, ठीक है। राजस्थान कब एक हुआ तो आपको पता है एक कब होते हैं, जब सात फेरे लेते हैं। कब होते हैं? जब सात फेरे लेते हैं तो एक होते हैं। तो कितने चरणों में हुआ? सात चरणों में। कितने चरणों में हुआ? सात चरणों में हुआ। पहला क्वेश्चन तो यही मानता है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, तो सात चरणों में हुआ था। दूसरी बात आपको याद रखना है कि एक बस थी, क्या थी? बस थी जो एमपी से, ठीक है, तो क्या एमपी से राजस्थान आई, क्या आई? पूरी स्टोरी इस कहानी के अंदर है, बस के अंदर ही है, ठीक है। पूरी स्टोरी इस बस के अंदर ही है। इसमें क्या है कि एक उभी लड़की है, एक करण नाम का लड़का है, दोनों इसी के अंदर बैठे हैं। ये बस एमपी से, याद रखो, एमपी से बस कहां आई? राजस्थान आई। कहां आई? राजस्थान आई। बस इतनी सी बात है। ट्रिक से देखिए कैसे याद करना है। आपको पहले चरण याद होने चाहिए, फिर उनकी तारीख याद होनी चाहिए, उद्घाटनकर्ता याद होना चाहिए, उनकी राजधानी याद होनी चाहिए, राष्ट्रमुख याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री याद होने चाहिए। बस क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा यही पूछे जाने वाला है, या आपसे वो तारीख पूछी जाएगी, ठीक है। तो एमपी से बस कहां आई? राजस्थान आई। क्या आई? एमपी से बस राजस्थान आई। इसको पता कितना टाइम लगाने में? बहुत ज्यादा टाइम लगा, आठ वर्ष सात माह, सात दुनी चौदह, चौदह दिन लगे। कितने लगे? सात दुनी चौदह। यूं मत कर लेना सात आठ चौदह, ना, पहले आठ आएगा, फिर सात आएगा, फिर चौदह आएगा। आठ सात सात दुनी चौदह, आठ वर्ष सात माह चौदह दिन लगे थे। कितने एकीकरण को कंप्लीट होने में कितने टाइम लगा? आठ वर्ष सात माह चौदह दिन। अब बात सारी इस बस के अंदर ही है। क्या है? बस के अंदर ही है। बात सारी इसी बस में है। तो बस से अपने बात करते हैं। अब सारी बात करते हैं अपने इस बस की। तो अपने पहले देखो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। पहले तो लिखना है चरण, ठीक है, चरण के नाम, चरण के नाम, यहां चरण आ जाएंगे, ठीक है, चरण के नाम लिख लेना है। नंबर एक, कितने चरण हुए? सात चरण। एक दो तीन चार पांच छ सात, कितने चरण हो गए? सात। गिनती लिख लियो, लिख ली, हां गुरु जी लिख ली। अब देखो सातों चरण के नाम कैसे याद करने, बड़े आसान तरीके से रहेंगे। एक बार समझ लो बस, एकीकरण पूरा कंप्लीट है। एम से मत्स्य संघ, कौन सा है? मत्स्य संघ। एम से मत्स्य संघ। पी से पूर्व राजस्थान, कौन सा आ गया? पूर्व राजस्थान आ गया, पूर्व राजस्थान आ गया। से संयुक्त राजस्थान, कौन सा आ गया? संयुक्त राजस्थान। फिर ब से वृहत राजस्थान, कौन सा आ गया? वृहत राजस्थान। से संयुक्त वृहत राजस्थान आ गया, कौन सा आ गया? संयुक्त वृहत राजस्थान आ गया। उसके बाद राजस्थान, तो नंबर नाम आ गया राजस्थान संघ, कौन सा नाम आ गया? राजस्थान संघ। और नंबर सात पर आ गया नवीन राजस्थान या नॉर्मल राजस्थान, ठीक है। ये आपके चरण रहने वाले हैं सात। फिर देखिए एम से मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। पी से पूर्व राजस्थान, कौन सा आ गया? पूर्व राजस्थान, ठीक है। सह से संयुक्त राजस्थान, कौन सा आ गया? संयुक्त राजस्थान। फिर ब से वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान। फिर सह से फिर आ जाएगा संयुक्त वृहत राजस्थान, कौन सा आ गया? संयुक्त वृहत राजस्थान। उसके बाद राजस्थान संघ, कौन, क्या नाम आया? राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। उसके बाद क्या हुआ?
कि इसको नवीन राजस्थान भी बोला जाता है कहीं कहीं, और नॉर्मल राजस्थान या राजस्थान नाम मिलेगा आपको देखने में। ठीक है दोस्तों, ये हुए आपके सात चरण के नाम याद। क्या हुए? सात चरणों के नाम याद हो गए। कहां से आई बस? एमपी से बस राजस्थान आई। कहां आई? एमपी से बस राजस्थान आई। बस एक दो बार बोलो याद रखे, एमपी से बस कहां आई? राजस्थान आई। अब इस बस के अंदर क्या थी? एक लड़की थी, उबी, मतलब खड़ी थी। कैसी थी वो? उबी थी। और कौन था? करण। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों के नैन से नैन मिले। फिर करण ने कहा, करण ने इशारा किया के नंबर दे दे, के दे दे नंबर दे दे। तो उबी बोली कि मेरे पास नंबर, मेरे पास तो भोजने खड़े हैं, तो यहां अगर नंबर तो मैं एक बार ही दिखाऊंगा, तू याद कर ले। केवा एक बार ही दिखाऊंगा नंबर, याद कर ले। अब देखो, जब नंबर एक बार दिखाए तो उसने करने क्या किया? रट्टे ही मार लिए। क्या कर लिए? रट्टे मार लिए। नंबर क्या था वैसे आप याद कर लेना, एक बार दिखाऊंगा मैं भी आपको। नंबर क्या है? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। बाबू जी बहुत सौखा है। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। मिलते क्या बोलो? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 15, 18, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये क्या हुआ कि नंबर थे, नंबर उसने याद कर लिया, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब अपने इनकी दिनांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिनांक लिखते हैं। दिनांक पहला क्या है? 18, 25, 18, 30, 15। इसको अपने राजस्थानी रख लेते हैं। क्या राजस्थानी लिख लेता हूं मैं, राजस्थान। ठीक है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये आपको दिनांक याद होगी। अब गुरुजी महीना क्या याद करा? महीने भी देखो कैसे याद करने हैं। अब जब करण नंबर याद करके आया, रात ना आगे सो गया, सुबह करांगा बात आप। जब सुबह उठा, फोन मिलायो, फोन मिलो, फोन है मिलो कौन, क्योंकि नंबर थोड़ी ना जगह मिल जाएगा, नंबर मिलो कौन। फिर भी मम्मी आवाज लगाई, हो बेटा मंजन कर ले, के कर ले, उठ जा मंजन कर ले। फिर के है? मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। बोलो रे याद हो जैसी, मामा अम्मा मंजन करो। अब देखो, माँ से मार्च क्या आएगा? मार्च। फिर माँ से मार्च, फिर ऐसे अप्रैल क्या आएगा? ऐसे अप्रैल। फिर माँ से, फिर माँ आ गया, देखो माँ से मार्च, फिर मार्च आएगा, क्या आएगा? फिर मार्च आएगा। फिर आता है मैं, मैं से मई आएगा, क्या आएगा? मई आएगा। मात्रा नहीं लगी, अब देख लेना इसके, मात्रा लगे होगा तो मामा क्या हो गया? मार्च मार्च आएंगे। मैं लगा है तो मई आएगा। जैसे जनवरी क्या आएगा? जनवरी, जनवरी क्या आया? जनवरी। न से नवंबर क्या आया? नवंबर, क्या आया? नवंबर। मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। माँ से मार्च, माँ से मार्च, ऐसे अप्रैल, माँ से मार्च, मई से मई, जैसे जनवरी, न से नवंबर। अब इसको यहां सेट कर दो। अब माँ से मार्च, फिर माँ से मार्च, कितनी बार था मार्च? दो बार। फिर अप्रैल, फिर क्या आएगा? फिर मार्च आएगा, लिख दो मार्च। फिर क्या आया? मई से मई, फिर लिख दो मई। फिर क्या आया? जैसे जनवरी, जनवरी आ गया। फिर क्या आया? नवंबर, तो नवंबर लिख दो। ये आपको महीने याद होगे। क्या हो गए? महीने याद हो गए। अब आप क्या रहते हैं? सन। क्या रहते हैं? सन। अब आपको सन याद करने, देखो 1948, 1949, 1948, 1949, 1950 और 56, 1950 और 1956, ये आपके सन रहने वाले हैं। अब इतना ही सन था ना याद करना, कितना करना है? 1948, 1949, 1950, 1956, 48, 50। अब 1918 के लिए तो 19, 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
कि 1948 तीन बार लिखने, 1948 तीन बार, 1949 दो बार, 1950 एक बार, 1956 एक बार, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 7 हो गया ना कंप्लीट। अब देखो लगा दो, 1948 कंप्लीट,
फिर 1948 तीन बार है तो तीन बार लिख देंगे, कितनी बार है तीन बार, तो तीन बार लिख देंगे। 1949 दो बार, 1949 दो बार, फिर 1950 एक बार, तो 1950 एक बार, 1956 एक बार, फिर 1956 एक बार, ये हो गए सन का। याद हो गए, याद हुए या नहीं हुए, देखिए फिर से देखो। बस में नंबर दिखाई उसने, क्या किया नंबर दिखाया, नंबर कहते हैं 18, 25, 18, 30, 15, 26 एक, 18, 25, 18, 30, 15, 26 एक, 18, 25, 18, 30, 15, 26 एक, याद हुए। फिर नंबर मिलिया कोनी, के करो मम्मी बिन जगायो बेटा उठ जा, मंजन कर ले, मंजन कर ले, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो, क्या था मामा अम्मा मंजन करो, माँ से मार्च, माँ से मार्च, ए से अप्रैल, माँ से मार्च, मई से मई, जे से जनवरी, ए न से नवंबर था, लगा दो मार्च मार्च, अप्रैल मार्च, मई जनवरी नवंबर। अब सन आपको याद करने हैं 1948 तीन, 1949 दो, 1950 एक, 1956 एक, लगा दो 1948 कितनी बार तीन बार, 1949 कितनी बार दो बार, 1950 एक बार, 1956 एक बार, ये अपने को सन याद होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मत्स्य संघ की स्थापना कौन से सन में हुई थी और कौन से दिनांक को हुई थी, ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, तो हुई थी 18 मार्च 1948 में। पहला चरण था मत्स्य संघ, दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान, तीसरा है संयुक्त राजस्थान, चौथा है वृहत राजस्थान, पांचवा है संयुक्त राजस्थान, छठा है राजस्थान संघ और सातवां है नवीन राजस्थान। ये आपके संघ थे सात चरण, उनकी अपनी दिनांक याद कर ली, क्या कर ली दिनांक भी याद कर ली। अब इनके देखो क्षेत्र याद करने हैं, कौन कौन सी रियासतें इनके अंदर आके मिली थी, ठीक है। अब क्षेत्र देखें, क्षेत्र देखो कैसे याद करने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, नोटबुक यूं ठीक है पोर्टर करके अलग अलग इनको मना लेना है, पहला अपना चरण, फिर दिनांक, फिर देखिए क्षेत्र कौन कौन सी रियासतें आके यहां मिली थी। तो पहले चरण में, पहले चरण में रियासतें मिली थी ए बी सी डी, ए बी सी डी कौन कौन सी थी, ए बी सी डी, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, अलवर ए से अलवर, बी से भरतपुर, कौन सी है बी से भरतपुर, सी से करौली, कौन सी है सी से करौली, डी से धौलपुर, डी से धौलपुर, डी से धौलपुर। तो अपने बात देखिए, अब इनकी राजधानी बनाएगी, जो जो जैसे यहाँ आके मिली उनको राजधानी बनाएगी इनमें से एक, इन चारों के अंदर से एक राजधानी बनी थी वो है अलवर। ऊपर गोला लगा लो, क्या कर लो ऊपर गोला लगा लो, तो ये राजधानी कौन सी होगी अलवर। अब इसमें ए बी सी डी आने वाली है, क्या आने वाली है ए बी सी डी, ठीक है। और एक ठिकाना था, क्या था ठिकाना एन, कौन सा नीमराणा, नीमराणा, नीमराणा ठिकाना था, ए बी सी डी एन। अब यहां तक याद करना है, ए बी सी डी ई को नहीं एन आओगो, ए बी सी डी, डी के बाद ई नहीं एन आओगो, क्या होगो एन, एन से नीमराणा ठिकाना था। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट, यहां समझ आ गया मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई 18 मार्च 1948, इसमें क्षेत्र कौन से ए बी सी डी, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, तो राजधानी कौन सी मनाई थी अलवर को मनाई थी, किसको मनाई थी अलवर को मनाई थी, ठीक है गुरुजी समझा के मना है। तो देखो फिर आपका आ गया पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान में किसा किसा क्षेत्र आया, तो इसकी ट्रिक रहने वाली है बाबू जाड़ू, बाबू जाड़ू किको परसाटो, बाबू जाड़ो किको परसाटो, बाबू जाड़ो किको परसाटो, बाबू जाड़ो किको परसाटो, बाबू जाड़ो किको परसाटो, होगी बाबू जाड़ो किको परसाटो, बा से बांसवाड़ा, बा से बांसवाड़ा, वाह, बू से बूंदी, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, जा से झालावाड़, डी डू से डूंगरपुर, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, की से किशनगढ़, उसके बाद को से कोटा, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, कौन सा है प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, कौन सा आ गया शाहपुरा, फिर टो से टोंक, क्या आया टोंक, ये रियासतें इसके अंदर शामिल हुई थी। इसे देखिए बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, पै से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा,
टॉस एंड टॉम, ये रैस तो इसके अंदर शामिल हुई थी। क्या ट्रिक है? बाबू झाड़ू किको परसाटो, बाबू झाड़ू किको परसाटो, बाबू झाड़ू किको परसाटो, बाबू झाड़ू किको परसाटो, ये इसके ट्रिक है। इसके अंदर उन्होंने राजधानी बनाई थी कोटा को। किसको बनाई थी? कोटा को। इसकी राजधानी क्या रहने वाली है? कोटा। याद हुआ? कोटा इसकी राजधानी रहने वाली है। अब आती है अपना तीसरा चरण। तीसरा चरण, तीसरे चरण की देखिए क्या रहने वाली है। साफ कर दूं, जब भी देखो बाबू चलो कुबर साटो, तो अब आ गई तीसरे चरण। अब तीसरे चरण में देखो कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी। तीसरे चरण में हुई थी एक तो पूर्व राजस्थान। कौन सी? पूर्व राजस्थान। कौन सी हुई? पूर्व राजस्थान। प्लस में उदयपुर शामिल हुआ। कौन सा हुआ? उदयपुर शामिल हुआ। अब उदयपुर को शामिल किया तो उदयपुर को बोला मेरे को राजधानी बनाओ। अब राजधानी किसको बनाई? उदयपुर को। अब क्वेश्चन आया था एक बार देखिए आराम से कि एकीकरण की तीसरे चरण की राजधानी क्या थी। एकीकरण में तीसरे चरण की राजधानी क्या थी? तो याद रखना तीसरे चरण की तीसरी उदयपुर थी। कौन सी थी? उदयपुर थी। ये क्वेश्चन आया था बिल्कुल नॉर्मल सा। तीन दिखाई दे रहा है उदयपुर में। तीसरे चरण की तीसरी राजधानी उदयपुर थी। क्या थी? उदयपुर थी। तीन तीन दिखा रहा है ना, बस ये थी मामला। बस इतना ही तो होता है, ध्यान देखिए आप सारा याद आपको भी। उसके बाद देखो कि पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर एड हुआ तो इसकी राजधानी किसको बना दिया गया? उदयपुर को। फिर आता है बृहत राजस्थान। चौथा चरण कौन सा आता है? बृहत राजस्थान। बृहत का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। तो इसके अंदर बड़ी बड़ी रियासतें मिली। जे जे बी सिंगर है ना एक, जे जे बी, जे जी बी, जे से जैसलमेर। क्या हुआ? जे से जैसलमेर बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी। जे से जोधपुर। कौन सी? जे से जोधपुर। फिर जे से जयपुर। कौन से? जे से जयपुर। जे से जयपुर। फिर बी से बीकानेर। कौन सी आई? बीकानेर। ये चार बड़ी बड़ी रियासतें इसमें मिली थी। कौन से संघ में? बृहत राजस्थान में। कौन सा था? बृहत राजस्थान था। इसमें ये चार बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी। कौन सी थी? जे जे बी। कौन सी थी? जे जे बी। ये चार ही आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्या हुआ? जयपुर को। अब यहां इसकी राजधानी किसको बना दिया गया? जयपुर। जब से लेके आज तक राजधानी राजस्थान की कौन सी है? जयपुर ही है। कौन सी है? जयपुर ही है। आपको जयपुर ही याद रखना। इसके बाद पांचवें चरण की राजधानी जयपुर, छठे की जयपुर, सातवें की जयपुर ही आएगी। आपको चार मेन होते हैं, इनको यहां याद करने हैं। क्षेत्र हो गया, ठीक है, क्षेत्र हो गए। उसके बाद क्षेत्र आ जाएंगे, उसके बाद राजधानी पूछे तो जयपुर, ठीक है। उसके बाद उद्घाटन करते हैं, चार हैं। राजमुख भी चार हैं, उपराजमुख है वो भी चार हैं, आपको याद रखने बस उसके बाद, ठीक है। अब ये क्षेत्र कंप्लीट होगा। देखो वापस देखिए मत्स्य संघ का ए बी सी डी। अलवा भरतपुर करौली धौलपुर, अलवा भरतपुर करौली धौलपुर। ए बी सी डी ई नहीं है, एन है। ए बी सी डी ई नहीं, एन है। एन से नी मिलाना एक ठिकाना था, ठीक है। उसके बाद बाबू झाड़ू किको बरसाटो, बाबू झाड़ू किको बरसाटो। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, ठीक है। उसके बाद को से कोटा, प से प्रतापगढ़, और सा से शाहपुरा, टो से टोंक। ये इसके अंदर रहने वाले थे। एक ठिकाना यहाँ आ गया, दो इसके अंदर आ गए। टोटल कितने ठिकाने थे? तीन ठिकाने थे। कितने थे? तीन ठिकाने थे। उसके बाद आता है संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को। इसमें पूरा राजस्थान प्लस उदयपुर ऐड हुआ। क्या हुआ? पूरा राजस्थान प्लस उदयपुर ऐड हुआ जब जाके संयुक्त राजस्थान बना। उसके बाद आती है बृहत राजस्थान। बृहत राजस्थान में चार बड़ी बड़ी, बृहत में बड़ा बड़ा, बड़ी बड़ी रियासतें जुड़ी थी। बृहत राजस्थान में बड़ी बड़ी चार रियासतें जुड़ी थी। जे जे बी, जे जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये चार चार बड़ी राजधानी जुड़ी थी। इसमें राजधानी मनाया गया था जयपुर को। किसको? जयपुर को। तीसरे चरण में तो उदयपुर थी, तीसरे चरण में तो उदयपुर थी, ठीक है। अलवर थी यहाँ पहले चरण में, ठीक है। यूं आप गोली लगा के याद कर सकते हो। अब यहां मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट की पांच नंबर। पांच नंबर भी एक बार क्वेश्चन आया, पांचवें चरण में कौन से क्षेत्र शामिल हुए थे, मतलब कौन कौन से क्षेत्र शामिल हुए थे। तो पांच को देखिए कैसे याद करना है। पांच कितने जोड़े के? पांच हो जाएंगे, दो और तीन जोड़े तो पांच हो जाते हैं, एक और चार जोड़ते हैं तो भी पांच हो जाते हैं।
लेकिन अपने को याद रखना है 4+1 क्या, 4+1 कितने हुए 5। पांचवें चरण में क्षेत्र मिले थे चौथा और पहला, चौथा कौन सा है अपना बृहत राजस्थान, कौन सा था बृहत राजस्थान यहां ऐड हुआ ठीक है। उसके बाद पहला कौन सा मत्स्य संघ, बृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ जुड़ा गया जब जाके संयुक्त बृहत राजस्थान मना था, कब जुड़ा था 15 मई 1949 को। उसके बाद बात करते राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ में सिरोही के उत्तरी भाग, सिरोही का उत्तरी भाग तो ऐड कर लिया गया, वह आबू दिलवाड़ा को छोड़ दिया गया, किसको आबू दिलवाड़ा को छोड़ दिया गया, आबू दिलवाड़ा को शामिल नहीं किया गया। देखो छठे चरण में राजस्थान संघ में सिरोही के उत्तरी भाग को तो ऐड कर लिया गया, आबू दिलवाड़ा को छोड़ दिया गया ठीक है, आबू दिलवाड़ा को ऐड नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ नवीन राजस्थान में 1 मार्च 1956 को, इसमें आबू दिलवाड़ा भी शामिल हुआ, आबू दिलवाड़ा भी शामिल हुआ, वह अजमेर रियासत भी ऐड हुई, कौन सी आई अजमेर रियासत भी आई। ये कल BSTC के अंदर पूछा गया अजमेर रियासत कौन से सन में मिलाई गई थी एकीकरण में, तो सन पूछा गया 1 नवंबर 1956 को, कब 1956 में शामिल हुई थी। ये क्षेत्र आपके कंप्लीट हो गए ठीक है, क्षेत्र कंप्लीट हो गया, याद हो गया वाला, बस ये याद करना। अब नेक्स्ट देखो यहां चरण है, दिनांक है, क्षेत्र, अब मैं क्षेत्र साफ करूं। देखो एक बार देखो, पहले चरण की राजधानी अलवर, दूसरे चरण की राजधानी कोटा, तीसरे चरण की तीन नंबर दिखा रहा उदयपुर, चार नंबर की JJB जयपुर, क्या आएगी जयपुर। उसके बाद पांचवें चरण की जयपुर है, छठे की जयपुर है, सातवें की जयपुर, अभी तक ही जयपुर ही है ठीक है। अब आपको मैं यहां से ये क्षेत्र आपके साफ कर रहा हूं ठीक है। इसके बाद अपने देखते हैं उद्घाटन करता, गुरु जी जब मनाया उद्घाटन कण करे मांगो ठीक है, कण करे उद्घाटन। अब उद्घाटन करते लिखते हैं अपने, क्या करेंगे उद्घाटन करता लिखते हैं। अब ऊपर हेडिंग डालो, इसी के आगे मनाते जाना आप नोट्स ठीक है, क्या लिखेंगे उद्घाटन करता, उद्घाटन करता, उद्घाटन करता कौन कौन थे। अब देखिए चार ही याद रखने, चार ही है ज्यादा नहीं है ठीक। देखिए गॉड, गॉड की जय बोलो, क्या बोलो गॉड, गॉड की जय बोलो, गॉड भगवान, गॉड गॉड की जय बोलो, 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 गॉड से एनवी गॉडविल, एनवी गॉडविल, एनवी गॉडविल, फिर गॉड गॉड से एनवी गॉडविल, एनवी गॉडविल। उसके बाद आता है कि साइलेंट रहेगा जय से जवाहरलाल, जय से जवाहरलाल, जय से जवाहरलाल। उसके बाद है बोलो वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, चार याद रखने आपको, चार चरणों में चार ही उद्घाटन करता याद रखना है। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल नहीं की थी, पहले चरण में गोड गोड की जय बोलो, क्या बोलो गोड गोड की जय बोलो, गोड गोड की जय बोलो। अब इस ट्रिक को याद कर लो, वहां मान लो आपसे क्वेश्चन आ गया कि द्वितीय चरण की, द्वितीय चरण का उद्घाटन करता कौन थे, आपको याद रखना गोड गोड की जय बोलो, बोली थी ना गोड गोड की जय बोलो, तो गोड गोड एनवी गॉडविल, इस तरह आपको याद रखना। लिख दिया मैंने एनवी गॉडविल, एनवी गॉडविल, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। अब आते हैं प्रधानमंत्री, कौन आते हैं यहां इनके प्रधानमंत्री, लाइन लगा लो आप भी आगे, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या याद करेंगे, प्रधान सग्गो माही, क्या याद करेंगे सग्गो माही, सग्गो माही, क्या करेंगे सग्गो माही। ये आपके प्रधानमंत्री मंत्री की ट्रिक रहने वाली, क्या है सग्गो माही, सह से सह से शोभाराम, शोभाराम कुमावत, शोभाराम, शोभाराम कुमावत, कौन से हैं शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। गो से गोकुल भाई, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा, कौन है माणिक्यलाल वर्मा, मैं से माणिक्यलाल वर्मा, ही से हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री।
सगो माही सोया से शोभा राम कुमावत, शोभा राम कुमावत क्या आएगा, शोभा राम कुमावत। दूसरे का आएगा गो से गोकुल भाई भट्ट। उसके बाद आया माँ से माणिक्यलाल। फिर आया हीरालाल शास्त्री। याद हुआ है? ये उद्घाटन करता है ये प्रधानमंत्री, आपको चार ही याद रखने, ठीक है। गोड गोड की जय बोलो, गोड गोड की जय बोलो। सगो माही माही नदी है ना, आप लोग सगो बढ़ रहा है घट रहा है माही नदी का नाम सगो माही क्या है सगो माही। आपको उद्घाटन करता भी याद हुए होंगे, प्रधानमंत्री भी याद हो गए। अब इनके राष्ट्र प्रमुख देखते हैं, क्या देखते हैं राष्ट्र प्रमुख। साफ कर दो जो थे को तो कर दिया, टेंशन आ लो थे आज याद करके छोटा मन याद हो गया बता दो, कमेंट करके बताया मन याद हो गया कौन बता नहीं। अब अपने आते हैं राष्ट्र प्रमुख, कौन से आ गए राज प्रमुख। राज प्रमुख की ट्रिक क्या रहने वाली है ध्यान से देखना, ओबी भूमा। राज प्रमुख में तो ओबी भूमा। उदय भान सिंह। भी से भीम सिंह। भू से भोपाल सिंह। मां से मान सिंह। अब राजप्रमुख पूछे थे आपसे कि पांचवें चरण में मां सिंह, छठे चरण में मान सिंह, सातवें चरण में मान सिंह, और ठीक है सात ही तो थे, पहला चरण का है, दूसरा चरण का है, तीसरे चरण का है और चौथे चरण का, चार चरण के ही राज प्रमुख है, ठीक है। क्या ठीक है, ओबी भूमा। उ से उदय भान सिंह, बी से भीम सिंह, भू से भोपाल सिंह, मां से मान सिंह। अब आगे बात कर लेते हैं उप राज प्रमुख की बात कर लेते हैं अपने जी। ए भी याद करना पड़ेगा, हाँ ए भी याद करना पड़ेगा था ना। एक तो नॉर्मल ही है, पता ही लोग, दुनिया में दो ही चीज खतरनाक है, पता है आपको दुनिया में दो ही चीज खतरनाक है, क्या है बताओ, कौन ही ध्यान, टीबी और बीबी। कौन है टीबी और बीबी? कौन से टीबी और बीबी? टी से तेज सिंह। बी से बहादुर सिंह, कौन बहादुर सिंह, फिर बहादुर सिंह, फिर बी से भीम सिंह। ये आपके उपराजों की याद हो गए। दुनिया में दो ही चीज खतरनाक है, कौन कौन सी है, टीबी और बीबी। टी से तेज सिंह, बी से बहादुर सिंह, बी से भीम सिंह, फिर बी से भीम सिंह। ये आज आपका टॉपिक एकीकरण का मैंने जो करवाया है वो आपको समझ आया है या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी नया है चैनल को, मेरे को नया देख रहे हैं तो ठीक है, चैनल अपना समझ किसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे से शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।